इस्लाम नगर भागलपुर के डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक के घर जश्न का माहौल है। सिद्दीक साहब की बेटी और मोंटेसिसी की तालबा जोया फातिमा ने 12वीं के एग्ज़ाम में 98% नंबर हासिल करके ज़िले में दूसरा मकाम हासिल किया है। जोया, आप भागलपुर की सेकंड टॉपर हैं जी 12th में जी। तो कुछ सीक्रेट्स बताइए, किस तरह से तैयारी किया या क्या मतलब रहा शेड्यूल आपका, इसकी वजह से आप ये कामयाब हुए? ऐसे कुछ खास सीक्रेट्स तो नहीं हैं, लेकिन स्कूल टाइम में हमेशा रेगुलरली टेस्ट और एग्ज़ाम्स होते रहते थे, तो उसी में पढ़ते पढ़ते तैयारी ऑलमोस्ट हो ही गई थी बोर्ड्स तक, इसीलिए ज़्यादा रिजिडली पढ़ना नहीं पड़ा और कंसिस्टेंटली पढ़ते पढ़ते बोर्ड्स तक में प्रेपरेशन हो गए थे। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? बहुत ज़्यादा, मतलब सारा सपोर्ट था, सारी तरह की फैसिलिटीज़ और सब कुछ फैमिली ने प्रोवाइड की। अभी तो एंट्रेंसेस दिए हैं, तो फिलहाल का शॉर्ट टर्म गोल यही है कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसके बाद का अभी कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, बट सोचा जाएगा। बेटी की शानदार कामयाबी पर वालदैन काफ़ी खुश नज़र आए। न्यूज़ द पैशन से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक और डॉक्टर खालदा नाज ने कहा कि इस खुशी को लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सर, ये आपकी बच्ची और ये दो बच्चियां साथ में हैं, तो सबने बहुत अच्छा स्कोर किया है, इवन आपकी बच्ची तो माशाल्लाह सेकंड टॉपर है भागलपुर की, तो मतलब किस तरह से देखते हैं इस लम्हे को, कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? बहुत खुशी का माहौल है और इन तीनों बच्चियों को में आपस में दोस्ती भी बहुत है और घर पर भी आगे लोग अक्सर स्टडी किया करती हैं, एग्ज़ाम पीरियड में भी वो बहुत अच्छा एक दूसरे से कोऑपरेट करती थी, इसलिए हमको इनका फ्यूचर ब्राइट लगता है जी। तो क्या मतलब कितनी ये लोग पढ़ाई करती हैं, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं जो आज ये रिजल्ट इन लोगों को? दिन में तो ये लोग सिर्फ फ़ोन पर इधर उधर बात करती रहती हैं, रात इन लोगों का पढ़ाई में एक बजे से पहले सोती नहीं है। मैम, बच्ची ने भागलपुर में सेकंड टॉप किया है, ये किस तरह से अपने अल्फाज में आप जो है जाहिर करना चाहेंगी? बस इस लम्हे की जो खुशी है उसको मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो घर में थी नहीं, जब कॉलेज से आई तो बच्ची ने कहा कि मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ, आप गेस कीजिए क्यों। तो मैंने कहा कि रिज़ल्ट आया है आपका, तो बोले कि हाँ रिज़ल्ट आया है, कितना परसेंट है गेस कीजिए। तो मैंने कहा कि 97-98 होगा, तो फिर उसके पापा बोले कि नहीं 85% है, लेकिन फाइनली मुझे तो 90 एबव का तो मुझे पता था, लेकिन इतना अच्छा करेगी ये बहुत खुशी हुआ ये सुन के। मोंटेसिसी थर्ड टॉपर अदिति आनंद इस बात से काफ़ी खुश नज़र आईं कि उनकी सारी दोस्तों ने एग्ज़ाम में शानदार कामयाबी हासिल की है। अंकल, ICSE का रिजल्ट आया है। ओके, आप लोग ICSE बोर्ड से? जी। ठीक है, तो आपके स्कूल का मतलब परफॉर्मेंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा है, और ह्यूमैनिटीज़ का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और कॉमर्स और साइंस का भी काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, तो आपके बच्चों ने क्या कुछ मतलब आपके स्कूल के बच्चों ने कुछ पोजीशन हासिल की है? जी जी, ह्यूमैनिटीज़ की टॉपर, बिहार की टॉपर भी हैं और उनके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और आपकी दोस्त वगैरह में कोई? हमारी सारी दोस्त टॉपर्स है और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। न्यूज़ द पैशन के लिए इस्लाम नगर भागलपुर से गौहर आलम की रिपोर्ट।